सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो आम आदमी पार्टी को राहत मिली है उस राहत को लेकर आम आदमी पार्टी गदगद -गद तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन यही खुशी की खबर उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है नमस्कार मिनाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन9 न्यूज़ दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था आम आदमी पार्टी को लेकर और दिल्ली के एलजी को लेकर यानी कि जो अधिकार थे उसमें जो दखल दिल्ली के एलजी साहब आम आदमी पार्टी के बीच में देते हुए नजर आ रहे थे इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया जिसके बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रहकर कर ये कहा कि जो हमारे अधिकार हैं उस पर फैसला लेने का अधिकार हमारे पास ही रहना चाहिए लेकिन दिल्ली के एलजी ने यह साबित किया कि जो भी फाइलें हैं जो भी अधिकार हैं वो इसमें टांग अड़ाएँ और तमाम तरीके से अरविंद केजरीवाल की तमाम फाइलों को भी रोकेंगे और यहाँ पर उनके किए गए कार्यों पर भी अंकुश लगाएंगे जो हमेशा से करते हुए आते रहते हैं जैसे बिजली पानी की लगा की व्यवस्था व्यवस्था लगा लगा लीजिए लीजिए सड़कों शिक्षा व्यवस्था की तमाम ऐसे मुद्दे हैं आप उनको लेकर जोड़ सकते हैं जो दिल्ली में विकास को लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया जाता है वो फैसला होता है कि आम आदमी पार्टी अफसरों के तबादले को लेकर अपना फैसला सुना सकती है आम आदमी पार्टी तमाम फैसले ले सकती है सिर्फ कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर इन तीन काम चीज़ों को छोड़कर कानून व्यवस्था के तहत यहां पर जो भी फैसला होगा वो एलजी साहब का होगा वो केंद्र सरकार के अंडर आएगा लेकिन आम आदमी पार्टी के जो अधिकार हैं वो अपने फैसले सुना सकते हैं लेकिन इसी बीच मुश्किलों वाली खबर ये है कि यहां पर अमित शाह इसी कानून व्यवस्था का तो सहारा दिल्ली में हमेशा से लेते रहे हैं पुलिस किस तरीके से केंद्र सरकार के इशारों पर अभी भी काम कर रही है और काम करती रही है इसके सबूत आपने दिल्ली दंगों के दौरान तो देखे होंगे ठीक इसी तरह से महिला पहलवान खिलाड़ियों के, के मुद्दे पर भी दिल्ली जो अपना एक्शन लेते हुए नजर आ रही है उसकी तस्वीरें भी आपने साफ तौर पर देखी होंगी तो ये जाहिर हो रहा है कि जो अधिकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अंडर आने चाहिए थे वही अधिकार ना मिलना यह साबित करता है कि कानून व्यवस्था का इस्तेमाल केंद्र सरकार के इशारों पर

फिर से यहां पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें कम होने का नाम ले रही थी वो बढ़ गई हैं क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद